में संवाद किया है। संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जिस भी योजना का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी होता है, साथ ही रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर आए अड़चनों को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। और जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ जाते हैं तो सारे मंगल काम शुरू हो जाते हैं। बालियान जी, आप भी मंगल काम के आ गए हो तो सारे मंगल काम यानी कि अच्छे काम। ये देखिए मंगल काम हो गया, गन्ने का रेट बहुत दिनों से नहीं बढ़ रहा था, सूर्यदेव के उत्तरायण में आते ही मंगल काम शुरू। आप देखिए जो भी काम प्रधानमंत्री जी के समय में शुरू हो रहे हैं वो काम हमारे जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं। शिलान्यास हो जाते थे, लोकार्पण नहीं होते थे। संसद बनकर तैयार हो गई, ये लोग पहले कहते थे कुछ लोग कि अरे कहां राम मंदिर नहीं बन सकता, बनेगा ही नहीं, कोर्ट में लगा देते थे, अर्जी लगा देते थे, कभी ताला लगवा देते थे, कभी कार सेवकों पर, राम भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर लाठी चलवा देते थे। और मोदी जी के समय में आप देखिए कि भगवान राम के मंदिर का बनने का शिलान्यास हुआ, उसका लोकार्पण भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। देश के अंदर केवल तुष्टीकरण की बात करते थे, अब तुष्टीकरण आप देखिए, मैं बताऊं आपको भाई साहब, कई सैकड़ों लोगों ने राम मंदिर बनने की खुशी में शारदा घाट टनकपुर में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां पर दीपक जलाए हैं। दीपक 1100 टनकपुर में शारदा घाट में हर वर्ग प्रसन्न है।